फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, अस्थमा के बारे में कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी और पता होगा तो इतना कंफर्मेशन नहीं होगी कि भैया गैस चूल्हे से अस्थमा होता है। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में अस्थमा होने लगा, ठीक है ना। अस्थमा में इसको बोलता हूँ लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन एस्थमा होता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ना सिखाएं। सो हालांकि अस्थमा जो होता है बेसिकली छोटे बच्चों में कम ही होता था, लेकिन अभी रिसेंट हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। अभी रिसर्च इतनी हुई है कि कुछ रिसर्च बोलती है भाई गैस के चूल्हे की जो एलपीजी सिलेंडर होता है उससे जब जलता है उससे इतना नुकसान नहीं है। कुछ रिसर्च कहती है कि भाई नहीं है, कोई कहता है, लेकिन अभी कुछ आर्टिकल्स ऐसे ऐसे आए हैं जैसे कि डेली मेल, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है डेली मेल, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, द वॉशिंगटन पोस्ट इनमें और CNN बिजनेस, इन तीनों में ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा फैल रही है कि भैया लगभग 12.7% छोटे बच्चों में ये हो रहा है। किसके द्वारा? गैस स्टोव के द्वारा। अगर आपके घर में गैस स्टोव है तो आपको ये रिस्क है, छोटे बच्चों में अस्थमा होने का खतरा है। ये अस्थमा जब बनेगा तो बड़े होकर बड़ा रूप ले लेता है, ठीक है, तो वो एडल्ट अस्थमा बन जाते हैं मरीज। तो जाहिर सी बात है, हम 50-60 साल से हम गैस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, 50-60 नहीं तो मतलब जो कंफर्म नहीं है 20-25 साल मान लो, तो 20-25 साल से अपन गैस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये चीज़ हमको अब पता चल रही है कि भैया गैस से अस्थमा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है ये भी समझ लो कि जब गैस जलती है एलपीजी, जब बर्न होती है गैस, तो उसमें कुछ गैसेस निकलती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जाहिर सी बात है उसमें जलते हैं तो कुछ प्रोड्यूस भी होते हैं, कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बनती हैं गैसें एक्स्ट्रा, और फॉर्मेल्डिहाइड, ये तीनों के तीनों गैसेस बनती हैं और ये हवा में फैल जाती हैं और जो इतना ज़्यादा इफेक्ट तुरंत नहीं दिखाती हैं, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर में जाती हैं, फेफड़ों में जाती हैं, धीरे धीरे करके असर दिखाना शुरू करती हैं। तो अब क्या किया जाए? देखो, इसका सॉल्यूशन भी आया है। जब भी आप रसोई में खाना बनाएं गैस पर तो कोशिश करें कि खिड़की हो उसके पास, उस खिड़की को आप खोल दें, इतना तो कोई भी कर सकता है। तो गैस को बंद कमरे में इस्तेमाल ना करें, खिड़की के पास रखें, कोशिश करें और खोल कर रखें। और कोशिश ये भी करें, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, मतलब बहुत छोटा बच्चा इन द सेंस कि भाई 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का है, तो उसे आप गैस के पास ना जाने दें जब वो चालू हो गैस, मतलब कि जब उस पर खाना पक रहा हो, तो ये कोशिश करना है। और इस पर अभी भी रिसर्च चल रहे हैं, जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर से आपको बताऊंगा। और ये अपडेट मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए इसलिए बताया। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों को काम आ सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।